ठीक है, अब वेबसाइट का नाम डालेंगे, डेमो डाल दिया मैंने। अब ये यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन दिया है इसने कि किस टाइप की आप वेबसाइट बनाना चाहते हो, किस टाइप की वेबसाइट आपकी है या किस टाइप का बिजनेस है आपका। अगर इनमें से कुछ नहीं है आप चूज टेम्पलेट कर सकते हो। जैसे अर्बन क्लब वाले हैं उनका किस टाइप का है, उनमें सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ना, वर्क करने की, मतलब इलेक्ट्रिशियन को इलेक्ट्रिशियन की सर्विस के एसी ऑल सर्विसेज वो प्रोवाइड करते हैं। वो एक एप्लीकेशन है लेकिन उनकी वेबसाइट भी अलग है। तो अगर वेबसाइट की बात करें, अभी यहाँ पे हम सिर्फ वेबसाइट की बात कर रहे हैं, एप्लीकेशन की बात नहीं कर रहे हैं। अब जैसे ये कुछ टैम्पलेट इन्होंने पहले से दी हुई हैं, आप चाहो तो इसका लाइव डेमो ले सकते हो। इस तरीके से आपको डेमो मिल जाएगा कि ये किस तरीके से दिखेगी, जैसे इस तरीके से ये वेबसाइट दिखेगी, कंटेंट है, ये सारी चीज़ें, ठीक है, ये सब आप देख सकते हो। अगर ये चीज़ ओके लगती है तो आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। कस्टमाइज़ करोगे तो ये कलर ऑप्शन देगा आपको, सेम इसमें यहाँ पे फॉन्ट देगा कि किस तरीके का फॉन्ट यूज़ करना है, सेम हेडर फुटर देगा कि हेडर कैसा चाहिए, ठीक है, बैनर स्टाइल कैसा चाहिए, उसके बाद मतलब ये चार चीज़ें देता है, उसके बाद फिनिश। अब ये हमारी साइट क्रिएट हो रही है। तो ये जो क्रिएट होती है कितने एमबी में, कितने उसमें होता है? ये अपने आप ही सारी चीज़ें करता है। जोहो का ही सर्वर है। एमबी अगर चेक करनी है तो इसका बैकअप डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं कि कितने की ये फाइल है। ये प्रीव्यू लिमिटेशन है ना कि इतनी फ्री फाइल, वो अदर डेटा की बात कर रहे हैं वहाँ पे। अच्छा अच्छा। जैसे इमेज वगैरह हम डालते हैं तो इमेज किस साइज़ की होनी चाहिए, लार्ज साइज है, उसकी जो क्वालिटी है वो बहुत हाई है, तो उस हिसाब से उसका स्पेस होता है। ई कॉमर्स वेबसाइट का मतलब होता है शॉपिंग की कोई वेबसाइट है, तो शॉपिंग की वेबसाइट में इमेजेस ज़्यादा पड़ती हैं, उसके लिए स्पेस हमें ज़्यादा लेना पड़ता है, इसी वजह से वो स्पेस के लिए हमें जीबी का स्पेस, हमें वीडियोस भी टच करनी पड़ती है ना। हाँ, इसीलिए उसमें ज्यादा स्पेस लगता है, वो हमें स्पेस बाय करना पड़ता है। तो ऐसे भी कर सकते हैं कुछ प्रोडक्ट्स हमने उतनी में रिक्वायरमेंट डाल दी, फिर वो चेंज करते रहे हम, फिर हटा दिए, कस्टमाइज करके करते यही है, यही करते हैं। अच्छा, जब प्रोडक्ट स्टॉक में है तभी तक दिखाया, स्टॉक में नहीं है तो हटा दिया, हटा के जो नए प्रोडक्ट है फिर वो दिखा दी, वो दिखा दी, कस्टमाइज ऐसे चलती रहेगी। हाँ, और इसके लिए हमें स्पेस भी ज़्यादा लेना पड़ेगा। हाँ, लेकिन कुछ तो लेना ही पड़ता है क्योंकि उसमें बहुत सारी फोटोज होती हैं, कुछ नहीं होती, तब लेना पड़ेगा जब हम, तो हमें और लेवल लेवल हमारा इंक्रीज होगा तो हमें उसके हिसाब से करना पड़ेगा ना। उसको मैनेज करने के लिए आप कर सकते हो कि हाँ इस तरीके से कर लो, करते यही है मैनेज करने के लिए, लेकिन वही है ज़्यादा फोटो हैं तो लेना तो पड़ता ही है। जिस टाइप का बिजनेस है उसके अकॉर्डिंग ही तो वो आएगा। उसके बाद यहाँ पे हम प्रीव्यू करते हैं, जैसे अगर बिल्डिंग ब्लॉग बनाना है यानी कि कोई नया सेक्शन या नई टैब बनानी है तो ये प्लस के आइकन पे जाते हैं, ठीक है, ऐड के लिए। नेक्स्ट करते हैं, इसके अंदर जैसे ही प्लस के आइकन पे क्लिक करोगे उसके बाद ये ऑप्शन क्लिक होंगे। अगर कोई सेक्शन ऐड करना है यानी कि इस तरीके का, या चार एक फोटो और कंटेंट यहाँ पे दिखाई दे तो इस तरीके का, या हेडिंग, इमेज, आइकन, न्यूज़ लेटर, बॉक्स, टैब, ये सब अगर ऐड करना है तो सेक्शन में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम एलिमेंट यानि कि हेडिंग है, पैराग्राफ है, अलग से कुछ इस्तेमाल करना है तो इसमें आ जाएंगे। उसके बाद आता है यहाँ पे पेजेस। पेजेस का मतलब है कि आपकी वेबसाइट में कितने पेजेस हैं, आप किस पेज की बात कर रहे हो, 5 पेज की, 10 पेज की, जितने भी पेज की वेबसाइट होगी वो आप यहाँ से पेजेस बना सकते हो। नेक्स्ट क्या, सेटिंग हमारी यहाँ पे होती है, कोई सेटिंग हो, कोई सेटिंग जैसे कि बैनर, हेडर, फुटर चेंज करना, ये हमारी वेबसाइट बनके रेडी है। अब मैं जैसे यहाँ पे प्लस पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे मेरे पास सेक्शन ऐड करने के लिए आता है, ठीक है, सेक्शन में ये सारी चीज़ें हैं मेरे पास, हेडर, फुटर, ठीक है, ये स्क्रॉलर है। अगर मुझे कुछ ऐड करना है अपनी वेबसाइट पे तो मैंने ये उठाया, ऐसे ड्रैग किया यहाँ पे मैंने, सॉरी, जैसे मुझे यहाँ पे ऐड करना है
तो मैंने यहाँ से सेक्शन लिया और इसको इस तरीके से यहाँ पे बीच में ये आ गया। अब इसके बाद मेरे पास ये सेक्शन आ गया। खड़े क्यों हो, बैठ जाओ ना। ठीक है, जब मेरे पास ये सेक्शन आ गया, अब मुझे सेक्शन को अगर एडिट करना है तो मैं इस पे ये जो थ्री डॉट्स दिख रहे हैं इसकी सेटिंग है, इस पे क्लिक करूंगी। अब मुझे कंटेंट किस तरीके का चाहिए, क्या चाहिए, बॉर्डर बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, ये हम डेप्थ में बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल हम सेक्शन ऐड करना सीख रहे हैं। एक तो मैं सेक्शन यहाँ से ऐड कर सकती हूँ। सेक्शन का मतलब समझ रहे हो ना, यहाँ पे ये है कि जैसे ये एक सेक्शन है, ये इतना मैं अगर बोलूँ, ये जितनी ग्रे लाइन है ऊपर से नीचे तक, ये एक सेक्शन है। यानी कि मैंने एक पेज के भाग कर दिए हैं ऐसे ऐसे करके, तो ये पूरा एक सेक्शन है। जैसे ये दिख रहा है ना, ये सेक्शन लिखा हुआ है ग्रीन कलर का, तो ये एक पूरा सेक्शन है वहाँ से लेके यहाँ तक। अगर मुझे एक और सेक्शन ऐड करना है तो जैसे यहाँ पे एक ऑप्शन दे रहे हैं, ये सेक्शन का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करो। अच्छा, इसको क्लिक करके इस तरीके से अगर उठा के ऊपर नीचे करना है वो भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक फिक्स कर दिया तो ख़त्म है उसके बाद। ठीक, एलिमेंट पे आते हैं हम। एलिमेंट में क्या, अगर कोई हेडिंग है आपके पास, हेडिंग या पैराग्राफ लिखना है, जैसे मेरे को यहाँ इस पेज के ऊपर हेडिंग लिखना है, मेरे को जहाँ पे लिखना है मुझे वहाँ से उठा के वहाँ पे डालना है, तो मैं वहाँ पे। उसके अलावा कोई और एलिमेंट ऐड करना है, सिंपल है, पैराग्राफ दोबारा लो यहाँ डाल दो। ठीक है, अगर कुछ और है मुझे ऐड करना है, यहाँ पे पेज ऐड करने हैं। अब सपोज़ अभी एक पेज तो मेरा होम पेज है, अब मैं यहाँ पे, चलो पेज हम बाद में बात करेंगे क्योंकि फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, फिलहाल हम एक पेज के डिज़ाइनिंग पे बात कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे ये एक सेक्शन है, अब यहाँ पे अगर मुझे एक और सेक्शन ऐड करना है तो यहाँ पे सेक्शन का ऑप्शन आता है। सेक्शन अगर मैं यहाँ आ गई, अब मैं अगर इसको भी सेलेक्ट कर लूँ तो मुझे ये सेक्शन दे देगा। अब इसमें आप इमेज डालना चाहते हो, आप इसमें इमेज सेटिंग पे जाओ, इसकी इमेज सेलेक्ट कर लो। कोई भी इमेज अगर आपके पास है तो आप वो इमेज को अपलोड कर सकते हो इसमें। अभी फ़िलहाल मेरे पास कोई इमेज नहीं है, तो उस इमेज पे कोई लिंक लगाना है वो लिंक लगा सकते हो। कैप्शन, ये उसके अंदर का कंटेंट है जो हम चेंज कर सकते हैं। अगर मुझे अब ये अपनी वेबसाइट देखनी है तो मैं यहाँ से सिंपल रिव्यू करूँगी अपनी वेबसाइट को। फिलहाल मेरी वेबसाइट इस तरीके से दिखती है, ये मेरा बैनर है वेबसाइट का। टैब में देखना है तो इस तरीके से दिखेगी कुछ, मोबाइल में देखना है तो कुछ इस तरीके से दिखेगी, मोबाइल व्यू। मैं डेस्कटॉप पे आती हूँ वापस। यहाँ से यहाँ तक हेडर होता है, यानी कि जिसमें मेरी ये टैब दिखे और यहाँ पे मेरी वेबसाइट का लोगो दिखे, इसको हम हेडर बोलते हैं। इसको हम फुटर बोलते हैं, जिसमें हम कॉपीराइट वगैरह अपने सोशल मीडिया या कुछ लिंक्स लगा सकते हैं, इसको हम फुटर बोलते हैं। बीच का जो कंटेंट है वो डिपेंड करता है आपके, जैसे ये गैलरी कंटेंट डाला है मैंने यहाँ पे, और कुछ अदर कंटेंट मैंने यहाँ पे डाला है, ये मैंने कुछ अपनी एप्लीकेशन या वेबसाइट या सर्विस से रिलेटेड मैं कुछ कंटेंट बीच में डालती हूँ, तो इस तरीके का कंटेंट, इसको हम बैनर बोलते हैं। बैनर पे कंटेंट, बैनर हमारा स्क्रॉलर भी हो सकता है, स्टैटिक भी हो सकता है। तो एक पेज को इस तरीके से हम क्रिएट करते हैं। इसके अलावा और भी कोई कस्टमाइजेशन, सिर्फ इसमें क्या है, एक सेक्शन ऐड कर सकते हैं हम। कोई भी सेक्शन इस तरीके के होते हैं, कोई भी सेलेक्ट कर लो, क्लिक करके सेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। हेडिंग है यहाँ पे, सेक्शन में कोई हेडिंग चाहिए, ये है। अब दूसरा ऑप्शन आता है हमारे पास, हमें कोई एलिमेंट चाहिए, यानी कि इमेज का एलिमेंट चाहिए, टेक्स्ट का चाहिए, हेडिंग का चाहिए, तो सिंपल मैं यहाँ क्लिक करूँगी, ये सारे एलिमेंट हैं मेरे पास, मैं ये सब ऐड कर सकती हूँ। ठीक है ना। उसके बाद आता है, ये सब एलिमेंट हैं, अब ये इमेज है। अब अगर मुझे कोई और इमेज ऐड करनी है इस बॉक्स में, इसकी सेटिंग पे जाती हूँ, अगर इसमें ही मुझे स्क्रॉलर लगाना है, चलो ये वाली सेटिंग तो हम वैसे ही सब डिटेल में आएंगे, ठीक है ना। तो अगर मुझे इमेज लगानी है तो सिंपल है,
मैं एक एलिमेंट ऐड कर सकती हूँ, ठीक है, एलिमेंट में इमेज है, मैं इमेज को यहाँ लगा सकती हूँ। ऊपर नीचे करना है ऐसे कर सकते हैं, छोटा बड़ा करना है ये रहा, छोटा बड़ा हो जाएगा सब, ठीक है। तो इस तरीके से हम एक वेबसाइट को बनाते हैं। तो बाकी इसको पब्लिक करने के लिए हम सिंपल यहाँ पे पब्लिक करेंगे, यूआरएल डालेंगे अपना, वो तो डोमेन लेना पड़ेगा ना। हाँ, अगर आपके पास डोमेन है Only तो ठीक है, नहीं है तो फिलहाल आप टेस्ट पे या किसी पे भी डाल के इसको पब्लिश करके चेक कर सकते हो। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप ऑनलाइन नहीं देख सकते, फिर आप यूआरएल हिट करोगे तो सीधे काम करेगा। लेकिन अगर आपकी डोमेन है तो वो बहुत अच्छी बात होती है। जो इसमें लास्ट में जोहो साइट डॉट इन आता है फिर वो नहीं आएगा, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको अकाउंट अपना पेड होना चाहिए, तब वो जोहो साइट डॉट इन हटेगा और वो आपकी डोमेन को ऐड करने के ऑप्शन देगा, नहीं तो वो ऑप्शन नहीं देगा उसे ऐड करने के लिए। तो ये देखा ना, उसको दिखाएगा भैया ये अभी ट्रायल चल रहा मामला। हाँ, तो अभी ये जो साइट का इतना ही करना है आपको, कल मुझे एक पेज बना के दिखा देना दोनों जने वेबसाइट पे कि हाँ ये पेज आपने बनाया है, इसमें किस हिसाब से कंटेंट।